जो उनका दिमाग था ऐसा, तो वो कैसे था ऐसा, समझो ना, उसका रीजन दिया हुआ है और इसको तुम अपने अपने दिमाग में अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। मुझे इसका आंसर दो कि आप ऐसा कैसे याद कर लेते हो। तो विवेकानंद जी उसका रिप्लाई करते हैं बहुत तगड़ा। विवेकानंद जी कहते हैं कि इंसान और जानवर में यही तो फर्क है। नमस्ते, कैसे मजे में? सो यार, आज की वीडियो है विवेकानंद के बारे में और मैं आज विवेकानंद की बहुत तगड़ी स्टोरी बताने वाला हूँ तुमको। अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो उस स्टोरी के बारे में सुन लो, ठीक है? उनके दिमाग उनका जो कंसंट्रेशन पावर थी उसके बारे में बताने वाला हूँ आज, ठीक है ना? तो क्या होता है, विवेकानंद जी एक बार गए होते हैं मेरठ। ओके, मेरठ में अपने फ्रेंड के पास किसी काम से गए होते हैं। तो वहाँ पे एक लाइब्रेरी होती है मेरठ में, लोकल लाइब्रेरी होती है। और उस लोकल लाइब्रेरी से विवेकानंद जी क्या करते हैं कि रोज एक ना एक बुक मंगाते हैं रोज, और वन बाय वन रोज बुक मंगाते हैं, रोज बुक लौटाते हैं, ठीक है? फिर क्या होता है, वो लाइब्रेरियन, जैसे हम लोग क्या करते हैं रियलिटी में, जब हम लोग बुक लेते हैं किसी से लाइब्रेरी से, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको बुक को लेते हैं एक बार और उसको मिनिमम 5 दिन तक पढ़ते हैं, उसके बाद लौटाते हैं, वो भी हम लोग पूरी पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन विवेकानंद क्या करते थे, विवेकानंद जी करते थे कि एक बुक को रोज पढ़ेंगे और रोज लौटाएंगे, ठीक है ना? फिर क्या होता है कि लाइब्रेरियन को आता गुस्सा, लाइब्रेरियन को मतलब डाउट होता है उनपे कि यार ये बंदा रोज बुक ले जाता है हमसे और रोज बुक लौटा देता है, ये पढ़ता तो है नहीं, यू नो, उसको लगता है कि मुझे चूतिया बना रहे हैं एक्चुअल में, उस लाइब्रेरियन को ऐसा लगता है, ठीक है ना? लाइब्रेरियन सोचता है कि यार ये बंदा तो यार पढ़ता तो है नहीं बुक को और हमारे पास लौटाने आता है रोज, ठीक है? फिर लाइब्रेरियन क्या करता है, लाइब्रेरियन को दिमाग में आता है गुस्सा बहुत ज्यादा, तो लाइब्रेरियन उनसे डाउट क्लियर करने के लिए उनसे पूछता है, विवेकानंद से पूछता है कि क्या यार तुम पढ़ते तो हो नहीं है और हमसे भूल जाते हो रोज, ओके? तो विवेकानंद जी कहते हैं कि ओके, अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे इस बुक का कोई भी एक क्वेश्चन पूछो, मैं तुम्हें परफेक्ट करेक्ट आंसर दूंगा तुमको, ठीक है ना? और विवेकानंद जी कहते हैं कि तुम मुझसे ये भी पूछ सकते हो कि ये सेंटेंस जो है वो किस पेज पे लिखा हुआ है, वो भी मैं तुम्हें बता सकता हूँ, ओके? तो लाइब्रेरियन कहता है उनसे, वन बाय वन क्वेश्चन पूछता है उनसे, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ठीक है? वो उनसे पूछता है कि इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, वो कहता है विवेकानंद जी उसको करेक्ट परफेक्ट आंसर देते हैं, करेक्ट एज इट इज जो कि बुक पे लिखा होता है। तो लाइब्रेरियन कहता है चलो ठीक है, अब तो ये बताओ कि ये सेंटेंस जो है वो किस पेज पे लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल जो ये सेंटेंस है वो किस पेज पे लिखा होता है। तो विवेकानंद जी कहते हैं ये पेज नंबर है, इस नंबर पे, इस लाइन पे लिखा हुआ है, सेम टू सेम वो आंसर देते हैं उस लाइब्रेरियन को, ओके? तो लाइब्रेरियन कहता है भाई यू आर ऑसम, मतलब लाइब्रेरियन को कहता है, लाइब्रेरियन कहता है उनसे मुझे माफ कर दो क्योंकि आप इतने अच्छे इंसान हो, एक्चुअली मतलब बहुत महान इंसान हो। और उसके बाद वो बंदा उनका शिष्य बन जाता है विवेकानंद जी का, और उसके बाद लाइब्रेरियन को पता चलता है कि विवेकानंद जी का जो दिमाग है वो एज अ लाइक अ फोटो है, फोटो, वो कोई भी चीज़ देखते हैं तो उनके दिमाग में छप जाता है, जैसे वो बुक को पढ़ते हैं तो वो जो बुक को पढ़ते हैं तो उनका दिमाग करेक्ट सेम टू सेम उसके दिमाग में फोटो छप जाती है भाई, उनके कंसंट्रेशन पावर उनको। और वो चीज़, इसका रीजन उन्होंने एक और स्टोरी में दिया हुआ है, जो उनका दिमाग था ऐसा तो वो कैसे था ऐसा, समझ लो ना, उसका रीजन दिया हुआ है और इसको तुम अपने अपने दिमाग में अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? तो क्या होता है, एक बार एक बंदा होता है, वो कहता है यार ये इंसाइक्लोपीडिया है और ये बुक है इंसाइक्लोपीडिया की, और इस बुक को पढ़ने के लिए कोई एक बंदा इस बुक को पूरे जन्म भर तक नहीं पढ़ सकता, पूरे लाइफ भर नहीं पढ़ सकता, ऐसा बोलता है एक बंदा विवेकानंद जी से। विवेकानंद जी कहते हैं कैसी बात कर रहे हो तुम, मैं इस बुक को दो बार पढ़ चुका हूँ, ठीक है ना? और वो कहता है आपने कब पढ़ा था इस बुक को? विवेकानंद जी कहते हैं कि मैंने इस बुक को सबसे पहले पढ़ा था जब मैं बहुत एक साल पहले पढ़ा था, और इस बुक को एक बार में पढ़ रखा है मैंने पिछले छठे महीने में। और विवेकानंद जी कहते हैं कि तुम मुझसे इस बुक से कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, मैं उसका आंसर तुम्हें परफेक्ट आंसर दूंगा, ठीक है ना? तो वो बंदा कहता है ठीक है ओके, आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या है, वन बाय वन पूछते रहता है उनसे, वो परफेक्ट सेम टू सेम एज इट इज आंसर देते हैं। तो
तो बंदा कहता है, यार प्लीज विवेकानंद जी मुझे इसका आंसर दो कि आप ऐसा कैसे याद कर लेते हो। तो विवेकानंद जी उसका रिप्लाई करते हैं बहुत तगड़ा। विवेकानंद जी कहते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो एक लेटर को एक बारी में पढ़ पाता है, ठीक है ना, उसके दिमाग में एक लेटर एक बार में आता है, ठीक है। जब वो बड़ा होता है तो वो एक साथ 3-4 वर्ड पढ़ सकता है, राइट, अपने दिमाग में बता सकता है, राइट। सो जो विवेकानंद जी कहते हैं कि इंसान और जानवर में यही तो फर्क है। इंसान और जानवर में क्या फर्क है कि इंसान की कंसंट्रेशन पावर, इंसान की कंसंट्रेशन पावर इतनी फाड़ है, इतनी तगड़ी है कि इंसान चाहे तो कंसंट्रेशन पावर इतनी फाड़ है कि वो पूरे पेज को एक साथ पढ़ सकता है, पूरे पेज को एक साथ पढ़ सकता है। मतलब उस पेज को डायरेक्ट इतनी कंसंट्रेशन पावर इतनी फाड़ है कि उस पेज को पूरा फोटो, लाइक अ फोटो, तुम लोग अपने दिमाग में छाप सकते हो। उनकी कंसंट्रेशन पावर इतनी तगड़ी थी। इस स्टोरी का मतलब क्या पता है? इस स्टोरी का मतलब ये है कि जो तुम लोग पढ़ते हो ना, कितने घंटे पढ़ते हो, इससे कुछ मतलब नहीं है मेरे भाई। तुम लोग कैसे पढ़ते हो, कितने कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हो, उससे ज़्यादा मतलब है मेरे भाई। मतलब जो तुम पढ़ते हो ना भाई, उसको बिल्कुल फास्ट तरीके से पढ़ो यार। उसको जब तुम लोग पढ़ते हो ना अपने दिमाग को, तो बहुत फास्ट करो यार, खटैक से याद करने का ट्राई करो यार। जो तुम पढ़ते हो ना उसी समय याद करने की करो, गारंटी है मेरे भाई उसी समय याद हो जाएगा तुमको यार। कंसंट्रेशन इतनी फास्ट रखोगे मेरे भाई, दिमाग को बहुत फास्ट रखो, बिल्कुल दिमाग को यू नो बॉडी को कूल छोड़ देना है। जब पढ़ते हो तो कूल छोड़ दो, नॉर्मल सा दिमाग पे काम करो बस, जस्ट नॉर्मल हल्का। लेकिन एक्सरसाइज करना बंद मत करो, एक्सरसाइज करो, लेकिन जब पढ़ते हो तो दिमाग को बॉडी को बहुत स्लो नॉर्मल हल्का सा करके छोड़ो, हल्का छोड़ दो बस, दिमाग पे छोड़ दो मेरे भाई। बल्कि यही होता है, कभी तुमने किसी यू नो किसी प्रोफेसर को देखा होगा, है ना, किसी प्रोफेसर को देखा होगा, तो उसका दिमाग यू नो उसकी बॉडी देखना बिल्कुल ढीली होगी, बिल्कुल ढीली, यू नो, क्योंकि उनको दिमाग में उनका पूरा लोड इनका दिमाग में रहता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब पढ़ते हो तो बिल्कुल दिमाग को लोड ढीला करके हल्का करके छोड़ो बिल्कुल, उस टाइम पे मेरी गारंटी भाई बहुत तगड़ा याद कर सकते, बहुत तगड़ा, ठीक है ना। एक और स्टोरी आएगी, उसमें तो मैं इसका सीक्रेट बताऊंगा कि क्या है इसको याद करने का, पढ़ने का तरीका क्या है, ठीक है ना। ओके, वेट फॉर दैट वीडियो। और तुम्हें कुछ अच्छा लगा लाइक कर दो, अच्छा नहीं लगा तो अनलाइक कर दो यार, और सब्सक्राइब टू दिस चैनल राइट नाउ। ओके, मैं इस तरह की बहुत हज़ारों वीडियो लाने वाला हूँ भाई, ठीक है ना। ओके, बाय।